नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपने मेरी वीडियो पूरे आखिर तक देखनी है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सको। आपके सिलेबस में चार नंबर का क्वेश्चन आता है, ये चार नंबर का पूरे। अगर आप ये पूरे चार नंबर चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक आपने देखनी है। इसमें बताई हुई हर एक एक बात आपने पूरे ध्यान से समझनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो चार नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप वो चार नंबर चाहते हो तो मेरी वीडियो जो मैं समझा रही हूँ उसको आपने अच्छे से समझना है। आओ हम शुरू करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। आओ मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ शुरू करते हैं, पहले आप देखो रैशनल नंबर होते क्या है। अगर कोई नंबर है 3 या कोई फ्रैक्शन वाला नंबर है 3/2 तो वो रैशनल है, और अगर नंबर जो है हमारा रूट में है तो वो इरेशनल। अगर हम इनको प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लस सीखते हैं इनका। प्लस करने के लिए जैसे अगर कोई नंबर है 3, एक रैशनल नंबर है, प्लस में है √2, तो क्या ये प्लस होंगे? नहीं, यही आपका आंसर है। सीधा आपने ये लिखते हैं, ये आपने याद रखना है कि ये दोनों प्लस नहीं होंगे। जो रूट वाला नंबर रूट वाले से ही प्लस होता है, वो भी तब जब सेम हो। अब हम आगे सीखेंगे, अगर दोनों ही नंबर रैशनल हो, जैसे √2 प्लस में √2, अगर मात्र दो नंबर ऐसे हैं, दोनों ही रूट वाले, तो ये प्लस होंगे। आपने रूट वाले नंबर देखने हैं, रूट में अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए तभी प्लस होंगे। कैसे प्लस होंगे? इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो ये सिर्फ इनका 1 और 1 बनके 2 बनेगा, 2√2, 2√4 नहीं बनेगा। जो बच्चा ऐसे करेगा उसका गलत है, आपने ऐसे करना है, ये सही है। आओ मैं आगे और एग्जांपल लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसे करने हैं। जैसे अब हमारे पास नंबर है 3√2 + 2√2, सबसे पहले आपने नंबर में चेक करो रूट वाले नंबर्स, क्या दोनों सेम है? हाँ, दोनों √2 है, तो इन्हें प्लस कर दो। प्लस इन्हें करना है आपने, 3 और 2 = 5, 5√2, √4 नहीं बनाना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 6√3 + 4√3, रूट के अंदर वाला नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए, इनको प्लस करेंगे, 6 + 4 क्या बन जाएगा, 10√3। और अगर ये नंबर ऐसे हो √3, 3√3 + 3√2, तो क्या ये प्लस होंगे? चाहे आगे वाले नंबर बेशक सेम हो, फिर भी प्लस नहीं होंगे, क्योंकि रूट वाले नंबर अलग हैं। तो ऐसे का ऐसा ही हम आंसर लिख देंगे, इसका कोई आंसर नहीं है, यही पूरा का पूरा इसका आंसर। ये हमने प्लस सीख लिया। सेम यही रूल इसके माइनस के हैं, आपने सारे याद रखने हैं। जो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रही हूँ उसको 2-2, 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि इन्हें करना कैसे है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तभी वो आप चार नंबर के हकदार होगे। अगर आप ये नहीं कर पाते तो वो चार नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे से याद करना है इसको। आओ मैं इसके साथ थोड़े आपको माइनस के भी बता देती हूँ, अगर हम इसका माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं। सेम यही नंबर 3√2 - 2√2, √2 सेम है, तो इनके आगे के नंबर माइनस हो जाएंगे, 3 में से 2 गए 1, साथ में √2। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2। अगला हमारा नंबर है 4√3 - 7√5, अब रूट वाले नंबर चेक करो, √3, √5 आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, यही आंसर आ जाएगा जो ये लिखा हुआ। तो रूट में प्लस करना हो या माइनस करना हो, सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर है वो हमने देखना है। अगर वो सेम है तो उनके आगे वाले नंबर प्लस या माइनस होंगे और ये पीछे उनके साथ आ जाएगा। अगर रूट वाले के अंदर जो नंबर है वो सेम नहीं है तो हम ना प्लस करेंगे ना माइनस, हमें वही छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर है। अब हमने प्लस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख, माइनस सीख लिया, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है।
अब हम सीखेंगे इनका मल्टीप्लाई। अगर कोई नंबर जैसे सिंपल है 3, एक रैशनल नंबर, मल्टीप्लाई में 2, एक इरेशनल नंबर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो सीधा बन जाएगा 3√2। अगर कोई नंबर है 4√2, मल्टीप्लाई में 7√3। इस तरीके के क्वेश्चन में नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आप इनको ऐसे लिखेंगे पहले 4 × 7√2 × √3। पहले इस तरह से लिखना है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 4 × 7 = 28, फिर रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 × 3 = 6, अंडर रूट में आएगा 6, और इन्हें इकट्ठा लिख दो 28√6। ये इन्हें इस तरीके से करना है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर रूट के अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और लिख दे। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास नंबर है √7 × √6, दोनों ही स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, तो इनका क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 × 6 = 42, और ये रूट में। अगर आपके पास आंसर ऐसे आता है और कोई बड़ा नंबर आता है, मतलब जो प्राइम ना हो, तो आपने इनके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने, जैसे 42 है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, ये भी आपने सीखना है। 42 के आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 2, 1, फिर 3 से डिवाइड होगा, क्या आएगा, 3 × 7 = 21, 1। क्या इसमें किसी का भी पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो अंडर रूट 42 ही रहेगा। अगर किसी का स्क्वायर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन सीखते हैं। हमने मल्टीप्लाई भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे इसका एक और है मल्टीप्लाई में। जैसे अगर रूट में सेम हो, √2 × √2, अगर रूट के अंदर नंबर सेम है दो बार ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। रूट के अंदर नंबर सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा आंसर क्यों आता है? देखो, √3 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √9 बन जाएगा। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आता है। या तो आप पूरा प्रोसीजर करके दिखा सकते हो, पहला ये स्टेप, ये, फिर ये, या आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि √3 √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया। चलो अब हम जो है अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर इस तरीके से हमें दे रखा है 2√7 / 3√7, ऊपर और नीचे सेम है तो आप रूट कैंसिल कर सकते हो, 2/3 आपका आंसर। अगर हमारे पास ये अलग दे रखा हो, √18 / √6, पर ये आते तो एक ही टेबल में है, 18 और 6 दोनों पे रूट होनी चाहिए, सेम टेबल में आते हैं, आप इसको पूरी एक रूट बना दो, 18/6, 6 × 3 = 18, रूट फिर भी आएगी, √3 आपका आंसर। तो इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपने मेरी वीडियो पूरे आखिर तक देखनी है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सको। आपके सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का पूरे, अगर आप ये पूरे 4 नंबर चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक आपने देखनी है। इसमें बताई हुई हर एक एक बात आपने पूरे ध्यान से समझनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो 4 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप वो 4 नंबर चाहते हो तो मेरी वीडियो जो मैं समझा रही हूँ उसको आपने अच्छे से समझना है। आओ हम शुरू करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। आओ मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ शुरू करते हैं, पहले आप देखो रैशनल नंबर होते क्या हैं। अगर कोई नंबर है 3 या कोई फ्रैक्शन वाला नंबर है 3/2, तो वो रैशनल है, और अगर नंबर जो है हमारा रूट में है तो वो इरेशनल। अगर हम इनको प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
तो सबसे पहले हम प्लस सीखते हैं इनका। प्लस करने के लिए जैसे अगर कोई नंबर है 3, एक रैशनल नंबर है, प्लस में है अंडर रूट 2, तो क्या ये प्लस होंगे? नहीं, यही आपका आंसर है। सीधा आपने यही लिख देना है। ये आपने याद रखना है कि ये दोनों प्लस नहीं होंगे। जो रूट वाला नंबर रूट वाले से ही प्लस होता है, वो भी तब जब सेम हो। अब हम आगे सीखेंगे, अगर दोनों ही नंबर रैशनल हो, जैसे रूट 2 प्लस में रूट 2, अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं, दोनों ही रूट वाले, तो ये प्लस होंगे। आपने रूट वाले नंबर देखने हैं, रूट में अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए, तभी प्लस होंगे। कैसे प्लस होंगे? इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो ये सिर्फ इनका 1 और 1 बनके 2 बनेगा, 2 root 2, 2 root 4 नहीं बनेगा। जो बच्चा ऐसे करेगा उसका गलत है, आपने ऐसे करना है, ये सही है। अब मैं आगे और एग्जांपल लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसे करने हैं। जैसे अब हमारे पास नंबर है 3 root 2 प्लस 2 root 2, सबसे पहले आपने नंबर में चेक करो रूट वाले नंबर्स, क्या दोनों सेम है? हाँ, दोनों रूट 2 है, रूट 2 है, तो इन्हें प्लस कर दो। प्लस इन्हें करना है आपने, 3 और 2 5, 5 root 2, रूट 4 नहीं बनाना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 root 3 प्लस 4 root 3, रूट के अंदर वाला नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए, इनको प्लस करेंगे, 6 plus 4 क्या बन जाएगा? 10 root 3। और अगर ये नंबर ऐसे हो, रूट 3, 3 root 3 प्लस 3 root 2, तो क्या ये प्लस होंगे? चाहे आगे वाले नंबर बेशक सेम हो, फिर भी प्लस नहीं होंगे, क्योंकि रूट वाले नंबर अलग हैं। तो ऐसे का ऐसा ही हम आंसर लिख देंगे, इसका कोई आंसर नहीं है, यही पूरा का पूरा इसका आंसर है। ये हमने प्लस सीख लिया। सेम यही रूल इसके माइनस के हैं, आपने सारे याद रखने हैं। जो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रही हूँ, उसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि इन्हें करना कैसे है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, तभी वो आप 4 नंबर के हकदार होगे। अगर आप ये नहीं कर पाते, तो वो 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे से याद करना है इसको। आओ मैं इसके साथ थोड़े आपको माइनस के भी बता देती हूँ। अगर हम इसका माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं? सेम यही नंबर 3 root 2 माइनस 2 root 2, root 2 सेम है, तो इनके आगे के नंबर माइनस हो जाएंगे। 3 में से 2 गए 1, साथ में root 2। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, root 2। अगला हमारा नंबर है 4 root 3 माइनस 7 root 5। अब रूट वाले नंबर चेक करो, रूट में 3 root 5 आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, यही आंसर आ जाएगा जो ये लिखा हुआ है। तो रूट में प्लस करना हो या माइनस करना हो, सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर है वो हमने देखना है। अगर वो सेम है, तो उनके आगे वाले नंबर प्लस या माइनस होंगे, और ये पीछे उनके साथ आ जाएगा। अगर रूट वाले के अंदर जो नंबर है वो सेम नहीं है, तो हम ना प्लस करेंगे ना माइनस, में वही छोड़ेंगे, वही हमारा आंसर। अब हमने प्लस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख, माइनस सीख लिया, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है। अब हम सीखेंगे इनका मल्टीप्लाई। अगर कोई नंबर जैसे सिंपल है 3, एक रैशनल नंबर, मल्टीप्लाई में 2, एक इरैशनल नंबर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो सीधा बन जाएगा 3 under root 2। अगर कोई नंबर है 4 under root 2 मल्टीप्लाई में 7 under root 3, इस तरीके के क्वेश्चन में नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आप इनको ऐसे लिखेंगे पहले, 4 multiply by 7 root 2 multiply by root 3, पहले इस तरह से लिखना है। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, फिर रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 अंडर रूट में आएगा 6, और इन्हें इकट्ठा लिख दो, 28 under root 6। ये इन्हें इस तरीके से करना है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर रूट के अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और लिख दें। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास नंबर है √7 multiply by √6, दोनों ही स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, तो इनका क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 6 42, और ये रूट में
अगर आपके पास आंसर ऐसे आता है और कोई बड़ा नंबर आता है, मतलब जो प्राइम ना हो, तो आपने इनके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं। जैसे 42 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, ये भी आपने सीखना है। 42 के आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 2, 1, फिर 3 से डिवाइड होगा, क्या आएगा, 3, 7, 21, 1। क्या इसमें किसी का भी पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो अंडर रूट 42 ही रहेगा। अगर किसी का स्क्वायर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन सीखते हैं। हमने मल्टीप्लाई भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे इसका एक और है मल्टीप्लाई में। जैसे अगर रूट में सेम हो, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, अगर रूट के अंदर नंबर सेम है दो बार ये, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर नंबर सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा आंसर क्यों आता है? देखो, रूट थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 9 बन जाएगा। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आता है। या तो आप पूरा प्रोसीजर करके दिखा सकते हो, पहला ये स्टेप, ये फिर ये, या आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया। चलो अब हम जो है अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर इस तरीके से हमें दे रखा है 2√7/3√7, ऊपर और नीचे सेम है तो आप रूट कैंसिल कर सकते हो, 2/3 आपका आंसर। अगर हमारे पास ये अलग दे रखा हो, √18/√6, पर ये आते तो एक ही टेबल में है, 18 और 6 दोनों पे रूट होनी चाहिए, सेम टेबल में आते हैं, आप इसको पूरी एक रूट बना दो, 18/6, 6 × 3 = 18, रूट फिर भी आएगी, अंडर रूट 3 आपका आंसर। तो इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।